एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अदिति और आज जो हम आपके लिए रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है आलू से बनी कुरकुरी टिक्की। सो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सो चलिए अब हम हमारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं आलू की टिक्की के लिए। सो मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको ठंडा कर लिया है अच्छे से। अब इसके बाद हमें इसमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, इसके साथ हमें चाहिए काला नमक, इसके साथ हमें लगेगा लेमन यानी कि नींबू, इसके साथ हमें चाहिए हरी मिर्ची, इसके साथ हमें चाहिए ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, साथ में हमें लगेगा चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स यूज ना करना चाहें तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमें लगेगा ग्रीन कोरिएंडर चटनी, इमली की चटनी, टंगा हुआ दही यानी कि हंकड़, साथ में हमें लगेगा भुना हुआ जीरा। भुने हुए जीरे के बाद हमें इसमें लगेगा काली मिर्च और साथ में हमें लगेगा नमक स्वाद अनुसार। सो देखिए अब जो हमारे आलू हमने मैश करके ठंडे कर लिए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरे धनिए के बाद आप इसमें ऐड कीजिए चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद आप इसमें ऐड कीजिए काला नमक। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच काला नमक लिया है और इसी के साथ हमें इसमें व्हाइट नमक भी डालना है, सो मैं वो भी 1 चम्मच डाल दूंगी इसमें। इसके साथ हमें इसमें लगेगा 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, इसके साथ हमें इसमें लगेगा 1/2 नींबू। सो आप इसमें 1/2 नींबू लीजिए और इसको अच्छे से स्क्वीज कर दीजिए। नींबू से इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इन सब चीजों को अब आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें हमारा चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा आप धीरे धीरे करके डालिएगा, जितना आपको लगे हमें बाइंडिंग में चाहिए उस हिसाब से। और अब आप अपने हाथों की मदद से इसको ऐसे अच्छे से बाइंड कर लीजिए। सो देखिए मैंने अभी इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें बचा हुआ हमारा चावल का आटा डाल रही हूँ। इसमें मैंने पूरा ये 1 बोल चावल का आटा डाल दिया। तो देखिए अब जो हमारा आलू का मिक्सचर था मैंने इसको अच्छे से बाइंड कर लिया है चावल के आटे से। अब हम इसको करीब 10 से 15 मिनट तक रेस्ट होने देंगे और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल निकाल के फ्राई करने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया है। सो मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट बाद। देखिए अब 10 मिनट हो गए हैं हमारा जो पेस्ट था उसको बने हुए। अब हम इसमें से पोर्शन निकालेंगे, इसको ऐसे रोल करते हुए एक टिक्की की शेप देंगे। सो देखिए ऐसे हमें सारी टिक्की बना के रख लेनी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ सारी टिक्की बना लेने के बाद। देखिए अब जो मैंने सारी हमारी आलू की टिक्की है वो बना के रख ली है। जितना पेस्ट हमारा था उस हिसाब से आप लगभग 8 से 10 टिक्की आराम से बना सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, तेल को एकदम गरम करेंगे। तो देखिए ऑयल हमारा एकदम गरम हो गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल के चेक भी कर लिया है। अब आप इसे डालेंगे और इसको छोड़ देंगे ऐसे ही और इसको अच्छे से सिकने देंगे, टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम हमारी टिक्की को, और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। सो देखिए अब हमें दिख रहा है कि सेकेंड साइड से जो हमारी टिक्की है वो ब्राउन हो गई है। सो अब हम इसको पलट देंगे और इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से सेकेंगे। देखिए ये कितनी क्रिस्पी लग रही है और हमको हमारी सारी टिक्कियों को इसी तरह से फ्राई कर लेना है।
सो देखिए अब जो हमारी टिक्की है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस पॉइंट पर आप अपनी गैस को सिम कर सकते हैं और देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई है। हम इसको टिश्यू पेपर पर नहीं निकालेंगे, अदरवाइज जो इसका क्रिस्पीपन है वो सब निकल जाएगा। हम इसको एक नॉर्मल प्लेट में ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों साइड से कितनी क्रिस्पी हो गई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए आपको आवाज आ रही होगी ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इसके बाद हम सारी टिक्कियों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और अब मैं आपसे सीधा इसकी प्लेटिंग शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। सबसे ऊपर पहले हम इसमें दही डालेंगे जो हमारा हंग कर्ड था। आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से दही डाल सकते हैं। हमने ये जो टिक्की बनाई है ये बिना फिलिंग की बनाई है, आप चाहें तो इसमें फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसमें हमारी ग्रीन चटनी डालेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद हम इसमें हमारी इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप चाहें तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, और साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा वो डालेंगे। और देखिए कितनी ही टेस्टी यम्मी और सुंदर लग रही है हमारी टिक्कियां। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।